माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं इस क्लास में हमारे एक प्रिय बहन संत पापा के विरुद्ध में और अन्य अनेकों बातों पर मुझे व्हाट्सएप करते करते काफी दिन से परेशान कर रहा है। उस बहन को मैंने कहा मैं क्लास लूंगा, लेकिन फिर भी वो तसली नहीं ले रहे थे। कुछ बातें मैं उनको समझाने का प्रयत्न किया व्हाट्सएप के द्वारा, मैंने देखा ये मेरा समय का बर्बादी है। और केवल वो नहीं, ऐसे विचार रखने वाले लोग कुछ बातें समझना जरूरी है। उनका सबसे पहला दुश्मन पोप है। कैथोलिक कलीसिया में मेरे विचार में पता नहीं कितने वर्षों से रहा, अभी कुछ वर्षों से पेंटेकोस्टल कलीसिया में गया, और मेरे विचार में करीब एक साल पहले भी वे इसी प्रकार मूर्ति पूजा आदि आदि के विषय में कुछ टिप्पणियां लगाते हुए मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उत्तर मांगा। मैंने उसके लिए दो क्लास, उस बहन का नाम भी लेकर के मैंने क्लास लिया था। इसके बाद मैंने एक निर्णय किया हुआ है, ऐसे जो भी बुराई कर रहा है उनका नाम नहीं लेंगे हम, लोगों के सामने उनको नीचे नहीं दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने जो भी टिप्पणियां लगाया है, विशेषकर संत पापा के विरुद्ध में, संत पापा को शैतान का एजेंट कहा, संत पापा के विषय में इतना हम सुन नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें वो लिखा, और उनके मन में कितना क्रोध कलीसिया के विषय में है, पुरोहितों के विषय में, और विशेषकर संत पापा के विषय में। कुछ बातें मैंने नोट किया है ताकि उनको उसका जवाब दूं, और मुझे सुनने वाले जो पोप के विरोध करने वाले लोग इसको सुन ले, ध्यान से सुन ले, हो सकता है प्रभु आपका मदद करेगा कि संत पापा का, पोप का इस प्रकार आक्रमण कर एक संत जीवन जीने वाला एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठे आरोपों को लगाना, ये शैतान का स्वभाव है। सबसे पहले ये मैडम जी मेरे से बोलते हैं, बाइबल में पोप शब्द थोड़ा दिखाओ, बाइबल में कहाँ लिखा है पोप? और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 को कोट करते हुए उन्होंने स्वयं कहा, ईसा मसीह ने पेत्रुस से कहा, तुम पेत्रुस चट्टान हो, मैं वहां पर केवल चट्टान शब्द सुना, ईसा मसीह ने तुम पोप हो ये नहीं कहा, तो तुम लोगों ने क्यों ये पोप पोप कहते हैं? वो तो शैतान का एजेंट ही है। ईसा मसीह ने पेत्रुस को चट्टान कहा था। इसके बाद ये पोप शब्द बाइबल में दिखाना है बोला, नहीं दिखा सकता। जैसे कभी कभी रोसरी शब्द दिखाओ, ये शब्द दिखाओ,
ऐसा आर्ग्यू करने वाले कुछ लोग। इसके बाद उनका कहना है, वो जो स्वयं शैतान है, शैतान के एजेंट है और कैथोलिक कलीसिया को नरक लेकर जाने वाला है। मैं किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा। पोप एक निरे मनुष्य है और इस प्रकार के रिलीजियस लीडर्स का एजेंट बन करके, डेविल का एजेंट बन करके एक मनुष्य सबों को नरक लेके जाएगा। इसके बाद अगला एक और मजेदार सवाल है, प्रभु मुझे पूछेगा क्या पोप गॉड है या यीशु गॉड है। ऐसे ऐसे सवालों का जवाब क्या दूं, मुझे भी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने इसके बाद लिखते लिखते फिर लास्ट में एक बार बोला, मैडम मैं क्लास तो लूंगा, आपको जवाब तो दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले एक साइकेट्रिक से मिलिए, कुछ ट्रीटमेंट तो पहले लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं जो कुछ बोल करके दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इससे पूर्व में भी दो क्लास मैंने आपके नाम पर लिया, आपने शायद देखा भी नहीं होगा, केवल आपको आरोपण करना, दोषारोपण करना, फेंकना, किसी से सुनना नहीं। वो भी बोला मुझे सुनना नहीं तुम्हें, वो केवल सुनाने के लिए, और उत्तर दो उत्तर दो। इसके बाद चैलेंज भी करते, जैसे माँ का दूध पिया है तो इसका उत्तर दे दो, इस प्रकार का जो चैलेंज भी करता है, इसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सब शैतान है, इसका मतलब मेरे इसका सवाल का जवाब नहीं दिया, ऐसा ऐसा कर करके बीच बीच में वो चैलेंज भी कर रही है। तो पोप को अगर फॉलो करेगा, पोप को सुनेगा, इसका मतलब तुम शैतान को सुन रहा है। तो ईश्वर उससे पूछेगा तुम्हारे लिए पोप ईश्वर है या जीसस ईश्वर है। इसके बाद अगला एक और मजेदार है, यीशु मुझे पूछेगा मैंने तुम्हें बाइबल दिया, तुम पोप को क्यों सुना। मैंने तुम्हें बाइबल दिया, मैं क्या उत्तर दूंगा। अरे वाह, यीशु ने कब बाइबल दिया मुझे, मैं बहुत ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला। यीशु ने इस मैडम को बाइबल दिया बोलता है, यीशु मेरे से पूछेगा मैंने तुम्हें बाइबल दिया, तुम क्यों ऐसे मनुष्य के पीछे गए। इसके बाद वो बोलता है तुम लोग पोप को फॉलो करता है लेकिन मैं बाइबल को फॉलो करती हूँ। पोप डेविल का डॉक्ट्रिन्स को अपना डॉक्ट्रिन बना करके, चर्च का डॉक्ट्रिन बना करके लोगों को सिखा रहा है, वो शैतान के नियमों को अपना डॉक्ट्रिन बना करके सिखा रहा है। तुम्हारा पोप मुझे नहीं बचा सकता, तुम्हारे पोप को कोई शक्ति नहीं है, वो मुझे नहीं बचा सकता है। इसके बाद एक और है, तुम्हारा पोप धन के लिए, सुख के लिए शैतान का सामने दंडवत करता है और शैतान का डॉक्ट्रिन को तुम लोगों को सिखा रहा है धन और सुख के पीछे। क्योंकि यीशु के पास भी शैतान आया था धन और सुख, संसार के सारे सुख लेकर के, लेकिन यीशु ने उसको भगाया। लेकिन तुम और तुम्हारे पोप शैतान की सेवा करते हुए धन, यश, नाम सब कमा रहा है। तो शैतान का सेवा कर करके, इसलिए उनको कुर्सी है, यीशु को कुर्सी नहीं था, इसलिए उनके हाथ में अंगूठी है जिसको तुम लोग जाकर के चूमते हैं, यीशु के हाथ में नहीं था, शिष्यों के, प्रेरितों के हाथ में भी नहीं था। तो इस प्रकार का टिप्पणियां है, पूरा तो आज के एक क्लास में नहीं हो सकता,
तो कुछ बातों का जवाब तो दे देते हैं। सबसे पहले पोप, इन्होंने सवाल किया है पोप शब्द बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, पोप शब्द बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है पोप कर करके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे शब्दों में हमारे हिंदी शब्द या अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ है। ये जो शब्द है पोप शब्द, ग्रीक भाषा में पापास जो लिखता है और लैटिन भाषा में जो पापा जो है जिसका अर्थ है फादर, तो पापास और पापा ग्रीक या लैटिन वर्ड, उसी से पोप शब्द इंग्लिश में अंग्रेजी में लेकर के आया। उसका मतलब है फादर। हमारे बाइबल में फादर शब्द तो है क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। यदि आप ग्रीक बाइबल को पढ़ेंगे आपको यह पोप शब्द मिल गया, और यदि आप लैटिन बाइबल को पढ़ेंगे आपको इसका जो मूल शब्द उस बाइबल में मिल जाएगा। इस शब्द का, पोप शब्द का मतलब फादर। अब ये कहाँ फादर, इसका भी मैंने एक क्लास लिया, किसी ने ये टिप्पणी किया था केवल एक ही फादर है, स्वर्ग का फादर है, किसी और को पुरोहितों को फादर नहीं बुलाना बोल करके। मैंने उसके लिए एक क्लास ले चुका है, वो क्लास में मैंने उसका अच्छा जवाब दिया है। तो ये फादर शब्द हम इस्तेमाल कर सकता है, ईसा मसीह ने वो फादर शब्द उधर पिता ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। एक ही ईश्वर है हमारा स्वर्गीय ईश्वर, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है, ये बताने के लिए वहां पर उसको इस्तेमाल किया। छोड़िए, यहां पर ये जो पापा शब्द आदिम काल से ही हमें मिलता है इतिहास में, चर्च के इतिहास के अंदर। सबसे पहले ईस्टर्न चर्च पूर्वी कलीसियाओं में इस शब्द को पाट्रियार्क के लिए और पुरोहितों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और धीरे धीरे केवल पाट्रियार्क के लिए। मैंने एक क्लास के अंदर पांच क्रिश्चियन सेंटर्स के विषय में सिखाया था, अंतियोक है, जेरूसलेम है, रोम है, और अलेक्जेंड्रिया है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये पांच पुराना सेंटर्स होता था। और पांचों पुराने इन सेंटरों में जब क्रिश्चिय कलीसिया बढ़ने लगे, ईसा मसीह के समय पर केवल वो यहूदिया वहां पर था, ईसा मसीह जो जहां घुमा, इसके बाद शिष्यों को संसार के कोने कोने पर भेजा, चर्च बढ़ने लगे। चर्च जब बढ़ गया कई सेंटर्स शुरू हुआ। सबसे पहले हमें मालूम है अंतियोक में क्रिश्चियों को क्रिश्चियन नाम से बुलाना शुरू किया था, वहां पर उस समय पर जेरूसलेम में सेंटर है। इसके बाद पेत्रुस और पौलुस के समय पर रोम सेंटर बन गया, उसका भी प्रूफ है, मैंने उसके भी क्लास लिया था। पेत्रुस के समय से वहां पर सेंटर था। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कॉन्स्टेंटिनो जो सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने, कॉन्स्टेंटाइन ने वहां पर सेंटर बनाया करके, ये गलत है, झूठी शिक्षा, प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का झूठी शिक्षा ये है। वहां पर पेत्रुस के समय पर, हाँ, कॉन्स्टेंटाइन ने जहां पर पेत्रुस का शहादत हुआ उस जगह पर जो सबसे पहले सेंट पीटर्स बसिलिका जो बनाया वो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, कहां पर, जहां उनका शहादत हुआ था वहां पर उनके कब्र के ऊपर उन्होंने उस बसिलिका का निर्माण किया। तो इसका मतलब वहां सेंटर था, तभी तो, उसका भी प्रूफ है। तो ये पांचों सेंटर्स का जो मुखिया है, पैट्रियार्क है, उनको सबसे पहले पापा कहना शुरू किया। सबसे पहले पैट्रियार्क ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया का जो पैट्रियार्क है
हेराक्लस को यह टाइटल दिया गया। कब है? सन 232 से सन 248 तक, 232 to 248 तक वह पैट्रियार्क था। तब उन्होंने ये पोप शब्द का वो टाइटल को स्वीकार किया था। और हमारे वेस्टर्न चर्च का जो रोमन चर्च है, उस चर्च का जो पोप टाइटल सबसे पहले लेने वाला व्यक्ति है पोप लियो, जो सन 440 से 461 तक पोप था। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न बिशप, बिशप ऑफ रोम, ये जो पोप टाइटल लेने वाला पोप लियो के समय पर है। हमें, मैंने एक क्लास लिया है इससे पूर्व में, पोप का अनेकों टाइटल है। उन टाइटल में एक टाइटल जो फादर कर करके, जो हेड है उनको फादर कह करके पुकारने के जो टाइटल दिया, जो पोप टाइटल मिला। और बिशप ऑफ रोम भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि वो रोम का बिशप है। इसी प्रकार ये यूनिवर्सल चर्च का, पूरे विश्व का जो चर्च, कैथोलिक चर्च का हेड के रूप में उन्हें बुलाते हैं। इसके बाद आज वतिकन, एक जो सिटी, वतिकन सिटी है, एक स्टेट बन गया, एक राष्ट्र है, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री हम कह सकते हैं वो है वतिकन सिटी। कब से है? 11 फरवरी 1929 में इटली के साथ होली सी का एक लैटरन ट्रीटी कहते हैं इसको, लैटरन चर्च में, जो पैलेस में ये ट्रीटी हुआ था इटली के राजा और होली सी। अभी आप पूछेंगे ये होली सी किसे कहते हैं? ये जो संत पापा का जो ऑफिस है उसे पेपसी कहते हैं, होली जो ऑफिस को पेपसी कहते हैं, और उस जूरिसडिक्शन को होली सी कहते हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नेंस जो हो रहा है उसको होली सी कहते हैं। इसका मतलब वो गवर्नमेंट, वो जो होली सी और इटालियन जो गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी हुआ था, जिस ट्रीटी का नाम है लैटरन ट्रीटी, जो 11 फरवरी 1929 में हुआ था। उसके अनुसार इटली के अंदर, इटली का कैपिटल ही था जो वेटिकन सिटी, उसको एक राष्ट्र मान लिया, एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसको मान लिया है। और इटालियन पार्लियामेंट 7 जून 1929 को इसको पारित भी किया, उसको स्वीकार भी किया। इसका मतलब तब से वेटिकन एक देश है, उसका हेड भी संत पापा है। तो इस प्रकार कई टाइटलों में संत पापा जाना जाता है, और ऑफिशियली हम लोग इस टाइटल से, पोप टाइटल से, अर्थात फादर, रेस्पेक्ट दे करके हम लोग प्रीस्ट को फादर कह करके पुकारते हैं। तो इस प्रकार हमारे सुप्रीम जो पुंडिफ है उनको हम लोग पोप नाम से पुकारते हैं। और पोप जो है पेत्रुस का उत्तराधिकारी है, पेत्रुस का उत्तराधिकारी। इसको और समझने की जरूरत है, क्यों? यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15-16-17 के द्वारा, मैं जब होली लैंड के क्लास लिया था, होली लैंड विजिट कर करके, जो होली लैंड का जो तिबरियस के पास में एक चर्च है, इस प्रकार पेत्रुस को जो अधिकार देने वाला जो प्राइमसी चर्च, उस चर्च का क्लास लेते वक्त मैंने कहा था यहाँ पर
योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 16 17 में ईसा मसीह ने पेत्रुस को जो कलीसिया का मुखिया बनाकर जो भेड़ों को चराने का मेमनों को चराने का जो अधिकार दिया था उस अधिकार प्राप्त फर्स्ट पोप हम बोल सकते हैं पेत्रुस था। इसके बाद अगला जितने भी आया आज 266 पोप है पोप फ्रांसिस। वो इससे पहले बेनेडिक्ट 16 था, उनका उत्तराधिकारी नहीं बल्कि संत फ्रांसिस पोप फ्रांसिस संत पेत्रुस का उत्तराधिकारी है। समझ में आया होगा आपको, पेत्रुस का उत्तराधिकारी है, बाकी जितने भी जो संत पापा लोग आया है। लेकिन किसी बिशप के विषय में अगर कहेंगे बिशप उससे पूर्व में जो बिशप था उनका उत्तराधिकारी है ये कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह ने जो अधिकार पेत्रुस को दिया उस अधिकार का उत्तराधिकारी पोप पेत्रुस का उत्तराधिकारी कहा जाता है। संत आयरेनियस एडी 180 में पेत्रुस को रोम के चर्च का हेड था ये लिखा हुआ हमें मिलता है। संत आयरेनियस एडी 180 में अपने जो पत्र के अंदर लिखा हुआ है पेत्रुस रोम के चर्च का हेड था और वहां पर उनके अधिकार का जो कुर्सी के विषय में वो अधिकार के विषय में सब उन्होंने लिखा। और उससे पूर्व में एक और है संत क्लेमेंट ऑफ रोम। संत क्लेमेंट ऑफ रोम कब का है? पहले सदी का है। उनका एक लेख एडी 96 का वो कुरिंद की कलीसिया को लिखा हुआ है। क्लेमेंट ऑफ रोम ने कुरिंद की कलीसिया को एडी 96 में लिखा हुआ एक पत्र है। कैथोलिक के एनसाइक्लोपीडिया में इसका पब्लिश कर चुका है। उस पत्र में रोम के चर्च के विषय में वहां पर कितना भी कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा पेत्रुस और पौलुस पीटर एंड पॉल दोनों का शहादत रोम में होने के विषय में सब क्लेमेंट ऑफ रोम ने साक्ष्य दिए करके कुरिंद की कलीसिया को पत्र लिखा था। और आज सेंट पीटर्स जो बेसिलिका है जो सबसे पहले ये वो बेसिलिका जो बनाया है एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उस बेसिलिका को बनाया। कहाँ बनाया? जहां पर नीरो सम्राट ने पेत्रुस को पौलुस को मार डाला था उसी जगह पर ये चर्च निर्माण हुआ। इसका मतलब भी यही है पहली सदी में ही रोम में चर्च था और उस चर्च का जो हेड है वहां का जो बिशप जो है जो हेड है रोम का बिशप उनको पोप या पापास या पापा इस शब्द से बुलाया जाता था। ये एक टाइटल इसका मतलब आदिम काल से वहां पर था। दूसरी बात है कई पाषंडनाएं कलीसिया में आदिम काल से शुरू हुआ था। ईसा मसीह के शिक्षा को सुनकर के अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके गया। मसीह के अपने लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया है। इस प्रकार का टिप्पणी तो मसीह के साथ भी हुआ। मसीह के बाद अनेकों पाषंडनाएं शुरू हुआ था। पेत्रुस ने अपने पत्र में जो संत पापा था रोम का बिशप उन्होंने आधिकारिक रूप से सार्वत्रिक कलीसिया के लिए यूनिवर्सल चर्च के लिए जो पत्र लिखा सेकंड पीटर चैप्टर 2 वाक्य 1 से इस प्रकार के पाषंडनाएं फैलाने वाले लोगों के विषय में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब उस समय पर भी पेत्रुस और शिष्य लोगों के समय पर ही
अनेकों लोग पाषंडताओं के पीछे जाना शुरू हुआ था, उनको वार्निंग दे करके लिखा। कैथोलिक कलीसिया में इसलिए एक गवर्नेंस के लिए एक सिस्टम है, संत पापा सबसे ऊपर, इसके बाद बिशप्स का मंडली, इसके बाद पुरोहितों का मंडली, इसके बाद डीकन्स है, इसके बाद लेटी है, पीपल ऑफ गॉड। लेटी का मतलब है पीपल ऑफ गॉड, ईश्वर के जो चुने हुए लोग। तो एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अनुसार गवर्नेंस होता है। ये संसार माना हुआ गवर्नेंस है। संसार के अनेकों ऐसा इंस्टीट्यूशन कैथोलिक कलीसिया का ये जो ऑर्डर है इसके अनुसार उनका नियम बनाने का सोचता है। क्या कारण है? रोम में बैठने वाला संत पापा ने जो ऑर्डर निकालता है, पूरे दुनिया के कैथोलिक लोग उसको फॉलो करता है। अभी ये मैडम जी कहते हैं शैतान के ऑर्डर को फॉलो करता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। मैंने उनसे केवल एक सवाल किया, क्योंकि उन्होंने बार बार टिप्पणी कर करके बोलते हैं जो शैतान के जो ऑर्डर है उसी को संत पापा देता है। तब मैंने उनसे छोटा से एक सवाल कर करके पूछा, क्या आपको मालूम है ये जो ऑर्डर निकालने का तरीका, या ईसा मसीह के कौन सा टीचिंग के विरुद्ध में संत पापा ने एक ऑर्डर निकाला, उसको थोड़ा बता दीजिए। ईसा मसीह के टीचिंग, बाइबल के टीचिंग के विरुद्ध में यदि कोई भी, उन्होंने बार बार डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन कर, मैंने बोला एक डॉक्ट्रिन जो कलीसिया का, या जो जिसको हम डॉग्मा कहते हैं या विश्वास सत्य की घोषणा करते हैं, वो बाइबल के विरुद्ध है, उसको थोड़ा बता दीजिए। मैं एक दो बता कर देता हूं जो कलीसिया ने जो निर्णय किया वो बाइबल में ईश्वर ने बोला उसका विरुद्ध बोला है। सबसे पहले जो खतना का, ईश्वर ने मूसा नबी को जो इब्राहिम को जो नियम दिया, तुम्हारे परिवार में जो भी ईश्वर का जो संतान बनना है उनको खतना करना जरूरी है। खतने के द्वारा वो ईश्वर के अधीन आता है। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 15 को पढ़ेंगे, वहां पर यरूशलेम में सबसे पहला सिनेड बुलाया गया, महासभा, उसमें पेत्रुस जो कलीसिया का मुखिया है, याकूब यरूशलेम का वहां का बिशप था, इन लोगों ने निर्णय किया कि अब से कथना करने की जरूरत नहीं है, केवल बपतिस्मा लेना। देखो ईश्वर ने जो नियम बोला उसको इन लोगों ने कहा अब से नहीं चाहिए। ये जो पेंतेकोस्तल कलीसिया वाला, क्यों उसको माना? ईश्वर के नियम के विरुद्ध तो बोला है। अगला है, अगर आप संडे मनाने वाला है, कई लोग संडे नहीं मनाते हैं, आज भी शनिवार मनाने वाला है, लेकिन ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शनिवार का जो विश्राम दिवस मनाना बंद हो गया। कलीसिया ने निर्णय किया, अगला अब से हमारे लिए इतवार है, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन मनाना जरूरी है, इसलिए संडे मनाता है, संडे को पवित्र दिन माना जाता है, संडे हमें चर्च जाना जरूरी है, चर्च नहीं गया तो एक आत्मा मारु पाप करता है। तो चर्च ने निर्णय किया है, जो ईश्वर ने बोला शनिवार तुम्हारे लिए साबत है, अब चर्च ने निर्णय किया साबत नहीं, प्रभु का दिन मनाएंगे। इसलिए क्रिश्चिय लोग प्रभु का दिन मनाता है, यहूदी लोग साबत मनाते हैं आज भी, लेकिन हम क्रिश्चिय है, ईसा मसीह को फॉलोवर, हम क्रिस्त को मना, क्रिस्त का जो दिन है उसको, संडे को हम लोग मनाते हैं, तो उसको तो आप फॉलो कर रहा है।
इसके बाद एक और आपत्तिजनक बात ये बोला, तुम्हारा पोप तो शैतान का सेवक है, उसके सामने दंडवत करता है, इसलिए वो धन के ऊपर है। मुझे हाल ही में पढ़ने के लिए मिला संत पापा जो फ्रांसिस को जो सैलरी मिलता है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है, उनको कुछ सैलरी है, वो कितना डॉलर में भूल रहा हूं मैं, अभी हाल ही में ही पढ़ा है, एक पैसा भी वो सैलरी का नहीं लेते, सारे के सारे पैसा गरीबों के मदद के लिए चले जाता है, गरीबों के लिए उसको ऑफर किया उनके खाते में जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलता है वो पैसे के ऊपर बैठा हुआ है, स्थान मान के लिए इतना विनम्र, आप उसके समान एक थोड़ा विनम्र बनकर के दिखाइए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यदि मेरा फॉलोवर बनना है, मेरा अनुयायी बनना है, तुम अपने जायदाद को धन संपत्ति को सब गरीबों में बांट दो, इसके बाद मेरे पीछे हो। बोला था कि नहीं बोला? क्या आपके लिए नहीं है वो? आप में से कितने लोग इस प्रकार सब कुछ त्याग कर प्रभु का सेवा करते हैं? कम से कम हम कैथोलिक के लोग इस बात पर गर्व कर देंगे, मैं तो नहीं त्यागा, मैं अपना घर अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ रहता हूं। लेकिन मेरे गर्व की एक बात है, हमारा पुरोहित लोग, हमारे धर्म बहन लोग सब कुछ त्याग कर प्रभु के लिए निकला हुआ व्यक्ति, धन संपत्ति बाकी जो कुछ है, इवन विवाह जीवन तक त्याग कर वो प्रभु का फॉलोवर बना है। आप में से कितना प्रोटेस्टेंट लोग हैं इस प्रकार निकले हुए हैं, चैलेंज है इस बात का। बोलता है ईसा मसीह ही सामने झुका नहीं, लोग झुक रहा है। ईसा मसीह इस प्रकार का कुर्सी में नहीं बैठा था, ईसा मसीह के हाथ में अंगूठी नहीं था। बोलता है अब आपके हाथ में आपने क्या रखा है? मैं एक मोबाइल के सामने बैठ करके बोल रहा हूं, कितना कीमती मोबाइल लेकर के घूम रहा है। ईसा मसीह के पास मोबाइल था, माइक से बोल रहा है। ईसा मसीह कितने बार माइक से बात किया? तुम लोगों को अपना घर मकान है, ईसा मसीह के पास कितना मकान था? मोटर कार है, ईसा मसीह कितना मोटर कार में चला? संत पापा को बोल रहा है, आप अपने अंदर थोड़ा झुक करके झांक कर करके देखिए कि आप कैसे हालत में हैं। आप इस प्रकार के चीजों को, खुशियों को, मनोरंजन को इस्तेमाल कर रहा है, इसके बाद संत पापा को गाली दे रहा है, शैतान के एजेंट कहते हैं। अब आपने एक सवाल किया, उसका भी उत्तर दे करके आज का क्लास, इसके बाद आगे क्लास लूंगा क्योंकि उनका बहुत सारे बात है। उन्होंने किया, मैं क्या पोप को फॉलो करूं? पोप को सुनूं या बाइबल को सुनूं, यीशु को सुनूं? यीशु मुझसे पूछेगा पोप क्या बोलता है, ईश्वर है या मैं ईश्वर हूं? ईसा मसीह ईश्वर हूं। तो बाइबल क्या सिखाता है? बाइबल के अंदर सबसे पहले इब्रानियों का पत्र दिया है 13:17 को पढ़ूंगा, हिब्रूस चैप्टर 13:17। जितने भी इस प्रकार के अंधे लोग जो पाषंडताओं में गया है वो ध्यान से सुन लीजिए, हिब्रूस चैप्टर 13:17। आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है। कौन है ये नेता लोग? हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दिन रात कलीसिया की आध्यात्मिक चिंता में रहने वाला केवल कैथोलिक प्रीस्ट, कैथोलिक बिशप हमारे संत पापा, दिन रात वह कलीसिया के लिए मेहनत करते हैं। आगे सुन लीजिए, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए घर बार सब कुछ छोड़ करके निकला है इस कार्य के लिए, आध्यात्मिक हमारे उन्नति के लिए, हमारे लिए सोच करके निकला है।
इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें। हमारे प्रिय बहन जी, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप मेरे सुन रहा है तो, आप लोग उनका आज्ञा पालन करें। बाइबल में यही तो लिखा है, और उनके अधीन रहे। उनका आज्ञा पालन करना है, उनका अधीन भी रहना है, क्योंकि ईश्वर ने इन अधिकारियों को हमें दिया। पेत्रुस को हमें देने वाला ईसा मसीह, संत पापाओं को, पुरोहितों को, हमारे ऊपर अधिकारियों को प्रभु ने दिया। उन अधिकारियों के अधीन रहना जरूरी है। आध्यात्मिक अधिकारी आप संसार के अधिकारियों के अधीन तो रहेगा। मैडम जी स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल के अधीन तो रहेगा ही, तभी तो तंगो मिलेगा। एक और, फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर 11:1, पहला कुरिंथी अध्याय 11:1, वहां पर लिखा है आप लोग मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करें। संत पौलुस को तो बोलना चाहिए आप लोगों को ईसा मसीह का अनुसरण करना है, बाइबल का अनुसरण करना है। संत पौलुस लेकिन कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करो। एक अगुआ अभी फिलिपियों का पत्र दिया है, 4:9 को भी पढ़ लेता हूं। फिलिपियंस 4:9, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा। एक संत पापा, उससे जो कुछ सीखा, उसे ग्रहण किया, सुना और संत पापा में जो देखा, उसका तुम अनुसरण, उसके अनुसार आचरण करे, और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। कब साथ रहेगा? जब आप चर्च के अधिकारी को सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, संत पापा का नियमों को अनुसरण करेगा, तब ईश्वर आपके साथ होगा। बाइबल हाथ में रखने से ईश्वर आपके साथ रहने वाला नहीं है। ये एक शैतान आपके दिमाग में भर कर रखा है। बाइबल को पकड़ कर घूमने से नहीं होगा। आपके जो आध्यात्मिक अधिकारी लोग हैं, जो संत पापा है, जो बिशप है, जो प्रीस्ट है, जो आध्यात्मिक कार्य के लिए आपको सिखाने के लिए बाध्य है, जो नियुक्त है, उनको सुनना जरूरी है, उनको फॉलो करना जरूरी है। और भी वचन चाहिए बता कर देता। गलातियों का पत्र दिया है 4:12, फर्स्ट तसलोनियों का पहला पत्र दिया है 4:1-7, हर जगह पर लिखा हुआ है। सेकंड तसलोनी अध्याय 2:15, तिमत्ती का दूसरा पत्र अध्याय 1:13-14, अध्याय 2:2, और तीतुस को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं अध्याय 1:9 में, जो कोई इस ट्रेडिशन में, इस नियम के अनुसार नहीं जी रहा है, उन लोगों को निकाल देना चाहिए, वो क्रिस्तीय व्यक्ति नहीं। क्योंकि क्रिस्त ने अधिकार दिया है हमें, अधिकारी लोगों को दिया है, बिशपों को दिया, प्रीस्ट को दिया, संत पापा को दिया। उनको जो नहीं सुनता, उनको गाली दे रहा है, उन्हें शैतान कहने वाला, ये जो लोग हैं सचमुच में शैतान है। दिमाग उनका कुछ भ्रष्ट है, उनको ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए। जब मैं मैडम को सबसे पहले अनुरोध किया, मैडम जल्दी एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए, अन्यथा पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि एक साल पहले भी मैंने इस प्रकार का बहुत लिखा था, इसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट बंद कर दिया। मैंने एक दो क्लास डाल करके दिया उनको, इसके बाद फिर से अभी शुरू हुआ है, 8-10 दिन से ही चल रहा है।
मैंने कुछ बोल करके देखा, लेकिन ये क्लास जरूर उन तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। यदि वो देखेगा ये सत्य को समझ ले। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मुख्यतः ये देखा, पोप शब्द कहाँ से आया, पोप को कौन नियुक्त किया, पोप कौन है, पोप का क्या अधिकार है और पोप क्या काम करता है, ये सब हम लोगों ने आज देखा। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे, हमारे लिए एक आध्यात्मिक गुरु संत पापा पोप के रूप में संत पापा फ्रांसिस हमें मिला है आज। उनका जीवन देख करके हम अनुकरण करेंगे, उनका उस विनम्रता, उनका वो प्यार की जिंदगी, सबों के साथ मेल मिलाप, सब अन्य धर्म के साथ उनका जो प्रेम संबंध, ये सब हम लोग संत पापा से सीखेंगे। प्रभु का एक रूप हमें उस संत पापा में मिल सकता है और उनके अधीन रह करके हम मसीह का सेवक और उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, हमारे बिशपों के लिए, हमारे धर्म प्रांतों के लिए और हमारे देश के सभी डायसिस के लिए। हर एक डायसिस में एक एक बिशप है, उन बिशपों के लिए 2021 तक, 1 जनवरी 2021 का अनुसार पूरे दुनिया में 2903 डायसिस हैं, 2903 धर्म प्रांत है, वहां पर बिशप है। पूरे संसार में 5000 से ज्यादा बिशप से धन्यवाद दे। प्रेरितों के स्थान में ये बिशप लोग दुनिया का सेवा कर रहा है, ईश्वर का राज्य फैलाने का कार्य कर रहा है, ईश्वर का प्रेम को अन्य जातियों में बांट रहा है। धन्यवाद दे, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रह सके। धन्यवाद दे हमारे पुरोहितों के लिए, पल्ली पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, जो सब कुछ त्याग कर प्रभु का कलीसिया की सेवा करते हैं और जो कलीसिया से दूर हो गया, पाषंडता के पीछे गया, उनको सत्य जानने का कृपा मिले, उस सत्य के अनुसार जीने की कृपा मिले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।